हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, आपको बताना है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन है हमारा 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 और 1410 से 1437। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 1296 से 1316। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1796 में, 1564 में, 1764 में या फिर 1989 में, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डॉट डॉट लिखा, आपको बताना है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक जो लिखा था वो कौन सा था। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है नारायणियम, दूसरा है नागानंद, तीसरा है रामायण और चौथा क्या है, भरतांजलि। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, नागानंद। बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, नागानंद। अगला क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे, आपको बताना है। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे, शाहजहां के, कि अकबर के, कि हुमायूं के या फिर बाबर के। तो इसमें बी नंबर आपका सही होगा, अकबर के। अगला देखिए, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें से हम आपको बता देते हैं सी नंबर सही होगा, सिविल सेवा जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को द्वारा गिरफ्तार किया गया, आपको बताना है किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कैप्टन हडसन के द्वारा, जॉन निकालसन के द्वारा, सर ह्यूग रोज के द्वारा या फिर कालिन कैम्बेल के द्वारा, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, कैप्टन हडसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है डॉट डॉट, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था। आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह शब्द किसने कहा था, ये वाक्य किसने कहा था। ऑप्शन देख लीजिए, बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था, तो बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं, देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन या फिर प्रज्ञा मंडल आंदोलन। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, तो डी नंबर जो है प्रज्ञा मंडल आंदोलन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था, बारदोली में, चंपारण में, दांडी में या फिर मुंबई में, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें सी नंबर सही होगा, दांडी में। अगला क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, खुदीराम बोस थे, लाल लाजपत राय थे या फिर चंद्रशेखर आजाद थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें सी नंबर आपका सही होगा, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल में
वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। आपको बता ये जो नीचे देखिए वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाएं हैं वो सही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसमें से कौन सा सही क्रम है वो बताना है। पहले हम देखिए पहले क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर ताप मंडल, इसमें आप पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए ढंग से, इन चारों में से कौन सा सही होगा। इन चारों में से आपका बी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, तो इसमें जो है बी नंबर जो है सही होगा। अगला देखिए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में कि पांडिचेरी में या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप में या फिर लक्षद्वीप में, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें सी नंबर अंडमान और निकोबार द्वीप में सी नंबर सही होगा। अगला देखिए किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, रेतीली मिट्टी की कि चिकनी मिट्टी की कि दोमट मिट्टी की या फिर रेत और दोमट दोनों की, तो इसमें से बताना है कौन सा सही होगा कि जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें सी नंबर आपका सही होगा दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी की जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में पश्चिम दिशा में बहती है। ध्यान दीजिएगा आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, कावेरी बहती है कि महानदी, कृष्णा या फिर नर्मदा, तो इसमें डी नंबर आपका सही होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है किस देशांतर में भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। ध्यान दीजिएगा किस देशांतर में भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, 22:30 पूर्व देशांतर, 35:30 पूर्व देशांतर, 82:82 पश्चिमी देशांतर, 82:30 उत्तर देशांतर, आपको बताना है कौन सा सही होगा, जिसमें ए नंबर 82:30 पूर्व देशांतर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है FICCI का पूरा नाम क्या है, FICCI का पूरा नाम क्या है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं, अब देख लीजिए आप ऑप्शन भी देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपको बताना है FICCI का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन चारों पहले आप देख लीजिए कौन सा सही होगा, इन चारों में से मैं आपको बता देता हूँ, ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, ए नंबर है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसमें FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा, ध्यान दीजिएगा सीमांत उपयोगिता वक्र, तो इसमें से कौन सा सही होगा, पहला है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, दूसरा है कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है, तीसरा है अक्ष के समांतर होता है, और चौथा है सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है, इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है, तो डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित है। ध्यान दीजिएगा रेलवे, खनन और तांबा, परमाणु ऊर्जा और कोयला, आपको बताना है, देखिए नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सही होगा वो बताना है। पहला दिया गया 1, 2, 3, दूसरा दिया गया 1 और 4, तीसरा दिया गया 3 और 4, और चौथा जो दिया गया 1 और 3, तो इसमें आप देख लीजिए इन सब में से कौन सी दो श्रेणियां हैं जो आरक्षित हैं, तो इसमें आपका डी नंबर सही होगा 1 और 3, रेलवे और परमाणु ऊर्जा, ये जो है दोनों सही होंगी, मतलब ये तो ये ऑप्शन डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, ये दोनों श्रेणियां जो है वो आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई। ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई, 1980 में कि 1985 में या फिर 2000 में या फिर 2010 में, तो ये जो है 1980 में स्थापित की गई, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, किस वर्ष में प्रथम बार
बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1947 में कि 1951 में या 1969 में या फिर 1980 में, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें सी नंबर आपका सही होगा 1969 में। अगला क्वेश्चन है हमारा संप्रभु राज शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन दिया गया है। पहला है, एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। दूसरा है, UNO में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। तीसरा, ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति। पहला है आपका बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है पी के थुंगर समिति, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति, ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार का नियम वर्ष में लागू हुआ, ध्यान दीजिएगा, सूचना अधिकार का नियम वर्ष में लागू हुआ, कब लागू हुआ, 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में, तो इसका सी नंबर सही होगा, 2005 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, ध्यान दीजिएगा, भारत इसमें से बताना है कौन से संशोधन में प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, 28वें में, 40वें में या फिर 42वें में या फिर 92वें में, आपको बताना है कौन सा सही होगा, इसमें सी नंबर आपका सही होगा 42वें में, सी नंबर आपका सही होगा 42वें में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 7 और अनुसूची 10, कौन सा सही होगा, तो इसका ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, अनुसूची 11। अगला देखिए, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर यांत्रिक बल, तो ध्यान दीजिएगा इसका बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर में है आपका विद्युत स्थैतिक बल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने या फिर चैडविक ने या फिर रदरफोर्ड ने या फिर मोस्ली ने, आपको बताना है कि किसने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें ये सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा 3 वसा अम्ल किस में उपस्थित होता है, मछली में, अखरोट में, दालें में या फिर ए और बी दोनों, कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका डी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों, डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय डॉट डॉट में बटा होता है, कितने भाग में बटा होता है, बताना है 4 भाग में कि 2 भाग में या 3 भाग में या फिर 5 भाग में, कितने भागों में बटा होता है जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय, तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसमें ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, 4 भाग में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, पहला है श्वेत रुधिर कणिकाएं, दूसरा है लाल रुधिर कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा, तो इसमें बी नंबर आपका सही होगा, लाल रुधिर कणिकाएं। इसी तरीके से हम आपको डेली जीके जीएस और करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।